इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्टेट एनर्जी कंपनी पर्टामिना की ओर से चलने वाले एक फ्यूल स्टोरेज स्टेशन में आग लग गई। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, इसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। वहीं आग में एक बच्चे समेत 50 लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल की 50 यूनिट मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव काम चल रहा है। हादसे के दौरान स्थानीय लोगों ने आग में फंसे कई लोगों की जान बचाई। बताया जा रहा है कि हादसा फ्यूल स्टेशन धनी बस्ती वाले इलाके में हुआ। इसके आसपास के कुछ घर भी आग की चपेट में आ गए।